A very, very good morning, everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deal about very small topic from the chapter Biotechnology Principles and Process. So the name of this topic is Competent Host. So through the help of this topic, today we are going to deal how to transfer a vector. किसी भी वेक्टर को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए. सपोज़ दैट हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर आपका ये कोई एक होस्ट ऑर्गेनिज़म है, अगर ये कोई होस्ट ऑर्गेनिज़म है एंड दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट होस्ट ऑर्गेनिज़म, और आपके पास में अगर कोई रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, सपोज़ दैट दिस इज़ द प्लाज्मिड एंड this is your gene of interest, this is your gene of interest. तो अगर आपको इस gene of interest को इस plasmid में अगर fit करना है तो हम restriction enzyme का use करके इस vector में cut लगा देंगे और इस gene को ligase के help से यहाँ पर हम लोग fit कर देंगे. तो अब यहाँ पर gene fit हो चुका है और अब हमारा यह plasmid कैसा हो चुका है, recombinant plasmid. तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर भेजना है, ठीक है. और चूंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर क्या होगा, इसका सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा. ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. मतलब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर बना हुआ है और इसी लेयर को हम लोग सेल वॉल बोल रहे हैं. ये एक लेयर है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर ऑफ द अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल वॉल. और ये सेल वॉल किस चीज़ का मिलकर बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है. ये एडिशनल पॉइंट है बट इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द NCERT बुक. और इसके अंदर ये जो लेयर हम लोग देख रहे हैं, ये अंदर वाला लेयर, दिस लेयर इज़ वॉट, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलिए, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. सब जानते हैं हम लोग कि जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, DNA भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और RNA भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है. यानी कि न्यूक्लिक एसिड विल बी द जेनेटिक मटेरियल. तो इस वेक्टर को अब हमको अंदर शिफ्ट करना है, तो अंदर अगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तब कहीं जाके हमारा बैक्टीरिया इजीली ग्रोथ करेगा. अगर ये वेक्टर को अगर अंदर भेज दिया जाए तो ये वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा और इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारा वेक्टर का कॉपी बन जाएगा. और इस वेक्टर के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें आ चुका है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा. हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको जो ज़्यादा कॉपी में चाहिए था वो हमको इजीली मिल जाएगा. लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इस वेक्टर को अंदर भेजना इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस. इसके लिए आपके होस्ट को आपको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. कॉम्पिटेंट का मतलब क्या चीज़, सिंपली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ recombinant DNA. मतलब कि ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है. recombinant DNA के साथ आपके अगर इसको, इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को अगर ट्रांसफॉर्मेंट बनाना है, अब ये कैसा है, इसमें हमारा recombinant DNA आ चुका है, recombinant DNA आ चुका है. सो ये होस्ट अब कैसा कहला जाएगा, recombinant ट्रांसफॉर्मेंट ये कहलाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा. तो अगर आप किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि वेक्टर को अंदर भेजना है, और इस वेक्टर को अंदर भेजने के लिए आपको इस पूरे होस्ट ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. कॉम्पिटेंट मतलब कि होस्ट ऑर्गेनिज्म अब रेडी हो जाए ताकि वेक्टर को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि आसान प्रोसेस नहीं होता है ये वेक्टर को अंदर भेजना. ये बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं कि आप 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए तो शायद एक बार यहाँ पे ये वेक्टर इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है. तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर स्टेप्स टू मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट
होस्ट को कॉम्पिनेंट बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल चार स्टेप्स हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसी चार स्टेप्स को हम लोग सिंपली बात करेंगे कि ये चार स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जिस इस बैक्टीरिया को जहाँ भी रखा हुआ है, इस बैक्टीरिया में आप क्या करो, चारों तरफ कैल्शियम आयन से इस बैक्टीरिया को ट्रीट करो। चारों तरफ कैल्शियम आयन आपका होना चाहिए। तो कैल्शियम आयन मतलब कि कैल्शियम पे क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है वैलेंसी। तो इसीलिए कैल्शियम क्या हो गया, यहाँ पर डाई वैलेंट हो गया। तो यहाँ पर कैल्शियम क्या हो गया, डाई वैलेंट हो गया। तो एनसीईआरटी बुक ये लिखता है कि यू नीड टू ट्रीट दिस होस्ट ऑर्गेनिज्म विथ डाई वैलेंट एटम्स। ठीक है, तो डाई वैलेंट यहाँ पर क्या है, 2 वैलेंसी वाला, जैसे कैल्शियम आयन हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर आप इसको पहले ट्रीट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रीट द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ट्रीट द होस्ट ऑर्गेनिज्म विथ डाई वैलेंट एटम। एग्जाम्पल कैल्शियम आयन्स, इस पर इसका वैलेंसी 2 होता है, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और क्वेश्चंस यहीं से पूछा भी जाता है, क्वेश्चंस यहीं से पूछा भी जाता है। इसका दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या है, आपने कैल्शियम आयन डाल दिया, अब आप क्या करो कि इस बैक्टीरिया को आइस पे रख दो, आइस पे, इसके चारों तरफ आप आइस लगा दीजिए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर भी आप आइस लगा दीजिए। मतलब कि आपको आइस लगाना है, किस लिए, टेम्परेचर को बिल्कुल कूल करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रीट द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ट्रीट द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए विथ आइस। और इससे क्या होगा, इससे ये जो आपका जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में पोर हो जाएगा, सेल वॉल में पोर हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पोर हो सकता है। विच कैन क्रिएट पोर्स, ये क्या करेगा, पोर्स क्रिएट कर सकता है। अभी इस पोर्स के थ्रू आपका प्लाज्मिड अंदर जा सकता है, लेकिन अभी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तीसरा प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, आपने इसको आइस पे रखा है, बिल्कुल टेम्परेचर कम हो गया है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस उतना पे टेम्परेचर रहेगा, माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है। अब आप इसको फिर से क्या करो, बिल्कुल हीट में रख दो, हीट शॉक इसको दे दो, एकदम इसको गर्म जगह पे डाल दो, जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप इस बैक्टीरिया को फिर से वहीं पे डालते हो तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट शॉक, मतलब बिल्कुल आप इसे ठंडा कर दो, ठंडा करने के बाद फिर से आप इसे एक गर्म वाले जगह पे डाल दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, दैट इज़ कॉल्ड द हीट शॉक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगेन गिव द होस्ट ऑर्गेनिज्म हीट शॉक, आप इसे गर्म हीट का बिल्कुल झटका दीजिए। तो यहाँ पे इसको हीट शॉक दिया जा रहा है, द टेम्परेचर विल बी नियरेस्ट अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना बता रहा है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अपना फोर्थ वाला स्टेप, फिर से फोर्थ स्टेप क्या है कि इसको हीट शॉक देने के बाद अगेन फिर से आप इसको आइस पर रख दीजिए। हीट शॉक देने के बाद में फिर से आप बैक्टीरिया को आइस पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अब बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो जाएगा, रेडी टू एक्सेप्ट द वेक्टर। तो हम क्या करेंगे फिर से इसके बाद, नाउ अगेन गिव द ट्रीटमेंट ऑफ आइस। फिर से आप बैक्टीरिया को, यानी कि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को आइस में फिर से रख दीजिए। तो चार प्रोसेस था, इतना करने से क्या होगा कि अब शायद ये बैक्टीरिया आपके वेक्टर को एक्सेप्ट कर ले, अब शायद ये बैक्टीरिया वेक्टर को एक्सेप्ट कर ले, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को किया जाता है ताकि वेक्टर को अंदर लाया जा सके। सिंपल प्रोसेस था, सबसे पहले हमने क्या किया, कैल्शियम से इसे ट्रीट किया जो कि डाइवेलेंट है। ठीक है, ऐसा करेंगे हम लोग, उसके बाद में ऐसा करने के बाद में फिर हम लोग इसको आइस पर रख देंगे। आइस पर रखने से क्या होगा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ पोर्स क्रिएट हो जाए, कुछ पोर बन जाए। उसके बाद हम लोग फिर से इसे हीट शॉक देंगे लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हीट शॉक के बाद फिर से इसे बर्फ पे रखा जाएगा, आइस पे रखा जाएगा, टू रिड्यूस द टेम्परेचर इन वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम समय में टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। एक ही बार 42 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल नियरेस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दिया जाए, सो दैट कैन क्रिएट द पोर एंड थ्रू दैट पोर दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी एंटर इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म।
फिर यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जा सकता है। तो ये तो था एक आपका कॉम्पिटेंट होस्ट, ये एक था वेक्टर को अंदर कैसे भेजा जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके बाद अब हम लोग को इसमें देखना ही है कि आखिर बिना, जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जैसे एनिमल्स है और प्लांट है, तो उसमें अगर आपको कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है तो वो कैसे भेजा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यूकैरियोटिक कोई अगर सेल है, यूकैरियोटिक सेल में अगर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसमें कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। इसका दो सिंपल मेथड है, एक माइक्रो इंजेक्शन है और एक दूसरा वाला मेथड है बायोलिस्टिक गन, ठीक है। तो इस सिंपल प्रोसेस को देख लेते हैं। चलिए, तो अभी का कॉम्पिटेंट होस्ट वाला टॉपिक खत्म। अब सपोज दैट अगर आपके पास में यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो भाई यूकैरियोटिक सेल है तो आप ये जानते हैं कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें तो न्यूक्लियस भी है और इसके अंदर हमारा डीएनए, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और इसका दोनों एंड फ्री है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, लीनियर होता है। और अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसका देखो दोनों एंड बिल्कुल मिला हुआ है, दोनों एंड बिल्कुल फ्यूज है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सर्कुलर नेचर का होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल लीनियर नेचर का होता है, ठीक है, उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि इसको आप पकड़ के खींच के खोल सकते हो, ये चीज़। चलिए, तो अब क्या है कि अगर आपको कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट ये इंसुलिन का है, इंसुलिन का जीन है, और आप चाहते हो कि इस इंसुलिन के जीन को हम कहाँ पर भेज दें, इसके डीएनए में कहीं पर ला करके फिक्स कर दिया जाए, इसके डीएनए में फिक्स कर दिया जाए, तो ये कैसे होगा। तो यूकैरियोटिक सेल दो तरह के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल, एनिमल में यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लांट, यानी कि प्लांट के बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल मिलता है। यानी कि अगर आप चाहो कि आप कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लांट या एनिमल में डालना चाहते हैं और उस प्लांट या एनिमल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया जाए, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर द इंसुलिन, इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट इंसुलिन अगर हम एनिमल में डालना चाहें या प्लांट में डालना चाहें तो कैसे डालेंगे। तो एनिमल का जो सेल है वो भी ऐसा ही है, प्लांट का जो सेल है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें भी ये डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। तो एनिमल में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन। अब ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग एनिमल्स हैं तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, डॉक्टर हम लोग को इंजेक्शन देता है ठीक होने के लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिमल्स, माइक्रो इंजेक्शन का एनिमल्स में यूज़ होता है, और प्लांट में क्या होता है, जीन गन, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक गन बोलते हैं। प्लांट में जीन गन या फिर बायोलिस्टिक गन का यूज़ होता है। तो प्लांट सेल अगर है तो उसमें अगर आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है तो आप यूज़ करेंगे गन का। अब बायोलिस्टिक गन क्या है, सपोज दैट दिस इज गन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बड़ा बना रहे हैं डायग्राम, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, छोटा सा होता है, ठीक है। ये इसका गन है और यहाँ पे इसका ट्रिगर है, ये इसका ट्रिगर है, ठीक है, ये इसका ट्रिगर है। अब क्या है, इसका ट्रिगर, तो अब क्या है भाई कि अब क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर में इसका बुलेट होगा, ये इसका बुलेट होगा, बुलेट। तो अगर आपको, हम लोग करते क्या है, इस सेल के अंदर हम लोग यहाँ पर इस बुलेट को लगा देंगे, यहाँ पर, यहाँ पे आपने बुलेट को लगाया और काफ़ी बढ़िया से अंदाज़ा लगा करके बुलेट में आपका, और ये इसका ट्रिगर है और यहाँ पर बुलेट है, और ये जो बुलेट है ये बुलेट किस चीज़ का बना होता है, मेड अप ऑफ गोल्ड, या तो गोल्ड का होगा, सस्ते चीज़ का नहीं होगा, गोल्ड का, क्यों, क्योंकि गोल्ड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, मेड अप ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, टंगस्टन जिसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं, जो कि बल्ब के फिलामेंट वगैरह में मिलता है, टंगस्टन या फिर गोल्ड का ये बुलेट रहेगा। तो अगर ये कोई बुलेट है, अगर ये कोई बुलेट है तो इस बुलेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट इंसुलिन है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस बुलेट के ऊपर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। लीजिए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आपका ये बुलेट है, तो ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ बुलेट, तो इस बुलेट में लपेट दिया गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये लीजिए,
इस बुलेट में जीन ऑफ इंटरेस्ट लपेटा हुआ है, इस बुलेट में यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लपेट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक उसी रफ्तार से हम यहाँ पर फायर करेंगे ताकि हमारा ये बुलेट अंदर पहुँचे, हमारा ये बुलेट क्या हो यहाँ पर, बुलेट हमारा अंदर पहुँचे। और बुलेट अंदर पहुँच करके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर रह जाए, अगर आपका बुलेट अगर बाहर रह गया ठीक है तो, और बुलेट में आपका यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये लीजिए, या फिर आपका बुलेट इसको छेद करके पार कर जाए, आपका बुलेट यहाँ से आर पार हो जाए, बुलेट निकल गया बाहर, ये एक बाहर निकला हुआ बुलेट है, तो क्या ये दोनों बुलेट किसी काम का है? ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं। हमारा काम कब होगा, जब बुलेट बिल्कुल ठीक से न्यूक्लियस के अंदर पहुँचे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ले जा करके अटैच कर दे। ये अंदर आया है, अब यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बिल्कुल इसी स्पीड से इस बुलेट को क्या करना पड़ता है, फायर करना पड़ता है, इस गन को फायर करना पड़ता है, तब यहाँ से उसी स्पीड से यहाँ पर जा करके आपका बुलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जाएगा। और हमने अब क्या किया, हमने देखा है कि इजीली जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर फिट हो गया है। तो अगर आपको प्लांट में, यानी यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट है, तो प्लांट में अगर आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है, सो यू नीड टू यूज़ द जीन गन और बायोलिस्टिक गन। बायोलिस्टिक गन में जो बुलेट होता है वो बुलेट किसका होता है, गोल्ड का या फिर टंगस्टन का मिलकर बना हुआ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन गन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रो इंजेक्शन, इसको मिटा दूँ ठीक है चलिए। तो अब माइक्रो इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, एक इंजेक्शन है, जैसे इंजेक्शन डॉक्टर हम लोग को देता है वैसा इंजेक्शन है ये, एक इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। सो दिस इज इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है इसका, यहाँ पे इसका पिस्टन लगा हुआ होता है, इसका पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन है। इसको डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं तो इसके अंदर का सारा लिक्विड निकल के नीडल के थ्रू बाहर आ जाता है, हमारे बॉडी में आ जाता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रख दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये लीजिए ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये एनिमल सेल है, सपोज दैट अगर ये एनिमल सेल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुलेट को हटा देते हैं, गन को हटा देते हैं। अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या करना होगा कि इसी वाले नीडल को आप लगाइए यहाँ पर, इसके न्यूक्लियस के अंदर भेजना पड़ता है नीडल को, ये लीजिए, और ये आपका पिस्टन, पिस्टन के साथ ये आपका लगा हुआ है नीडल का जो ट्रिगर होता है वो वाला, इसको ऐसे प्रेस किया जाएगा तो अंदर में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, हेयर इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको जैसे पुश किया जाएगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पहुँच के आपके जगह पर पहुँच करके जेनेटिक मटेरियल में जा करके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अब आपका ये भी जो सेल है ये कैसा हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है, ये सेल भी हो गया है ट्रांसफॉर्मेंट, दिस सेल ऑल्सो बिकम्स ट्रांसफॉर्मेंट। तो चाहे माइक्रो इंजेक्शन हो या जीन गन हो, ये दो ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम यूकैरियोटिक सेल में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेज सकते हैं, ये दो ऐसा मेथड था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं फिर से, अभी हम लोग दूसरा एक लेके आ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम लोग अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, और अब मैं बात करूंगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बताने के लिए पूरा प्रोसेस कैसे है, मतलब कि सारा चीज़ को अब समअप करके बताया जाएगा, समअप किया जाएगा कि सारा प्रोसेस कैसा है। सो इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट, डन, हैज़ यू डन विथ इट, ओके। सो दिस मच फॉर द डे एवरी वन, थैंक यू।